नमस्कार, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताजा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, पटना के पटेल नगर की आकांक्षा श्रीवास्तव को नेशनल लेवल पर छात्र विश्वकर्मा अवार्ड मिला है और उन्होंने जो मेडी रिवॉर्ड बनाया था उसके लिए इन्हें मिला है और इन्होंने कहा कि ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। अगली खबर, बिहार में 5 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया जबकि 3 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रति अमृत अब आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें पथ निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं पटना के कमिश्नर और परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल को आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अगली खबर, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को चाट बहुत पसंद है। ठेले वाला चाट, वो लालू प्रसाद की तरह आमजन के नेता हैं और बोलते भी हैं तो खुलकर। राजनीति में वो इन दोनों विवादों से घिरे हैं और उनकी पूरी पार्टी अंतर्द्वंद की शिकार है। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है। अगली खबर, राजधानी के कुम्हरार विधानसभा से भाजपा के विधायक अरुण कुमार सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा को पटना हाईकोर्ट में वकील नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई। अधिवक्ता दिनेश सिंह ने हाईकोर्ट के समक्ष इससे संबंधित याचिका दायर की और उन्होंने आशीष सिन्हा की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा 21 जनवरी 2021 को जारी किए गए आदेश को रद्द करने का आग्रह भी किया। अगली खबर, पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई। 2 सितंबर से जारी नामांकन प्रक्रिया में 10 जिलों के 12 प्रखंडों की 159 पंचायतों के विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए और इस दौरान 15,238 नामांकन हुए। इसमें से 7,235 पुरुष और 8,093 महिला उम्मीदवार शामिल है। 6 पदों के लिए हो रहे चुनाव में सबसे अधिक 8,611 नामांकन 2,233 ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए हुए हैं। अगली खबर, जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने नए तेवर में आ चुके और उन्होंने जेडीयू के सभी प्रकोष्ठों की बैठक की। इस बैठक में सभी प्रकोष्ठों के कामों की समीक्षा की गई। सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों ने अपने काम का फीडबैक राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा। बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि मुख्य कमेटी के साथ मिलकर सभी प्रकोष्ठ काम करेंगे। पार्टी के जिलाध्यक्ष भी प्रकोष्ठ के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। अब प्रदेश, जिला और प्रखंड की यूनिट ही काम करेगी। अगली खबर, राजधानी पटना में महाराष्ट्र मंडल की ओर से गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को फाइनल टच दिया जा रहा है। पुणे से गणेश जी की मूर्ति आ चुकी है। हर साल लगभग 7 फीट की मूर्ति स्थापित की जाती थी लेकिन इस बार लगभग 2.5 फीट की मूर्ति आई है। मंडल से जुड़े अमन जायसवाल ने बताया कि पिछले साल मंदिर आम लोगों के लिए नहीं खोला गया था और 10 लोगों ने ही पूजा कर परंपरा निभाई थी। इस बार मंदिर आम लोगों के लिए खुल रहा है और लोग यहां आकर गणपति के दर्शन कर सकेंगे। अगर विजिलेंस की टीम ने लगातार समस्तीपुर में दबिश बना रखा है बुजलुक और विजिलेंस की टीम ने शहरी इलाके से रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को रंगे हाथ पकड़ा था। गुरुवार को विजिलेंस की टीम ने मोरवांचल के सर्किल इंस्पेक्टर सह राजस्व कर्मचारी दयाशंकर प्रसाद को 50,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जमीन के म्यूटेशन के नाम पर इन्होंने रिश्वत मांगी थी। अगली खबर, प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो जाने से दुखी प्रेमी ने उसकी चौखट पर खुद को गोली मारकर जान दे दी। दोनों के बीच पिछले 4 साल से अफेयर चल रहा था। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हालांकि पुलिस को मौके से पिस्टल नहीं मिला है। प्रेमी के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका भी जाहिर कर दी है। अगली खबर, पटना में 57 लाख रुपये की लूट का मामला गबन का निकला। पश्चिम बंगाल की कंपनी के रुपये का गबन करने के लिए पटना ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। इसमें स्टाफ ने 40 लाख रुपये अपने पास रखे थे जबकि 15 लाख से अधिक रुपये उसने दोस्त को दे दिया। मामले की जाँच करते हुए पटना पुलिस ने न सिर्फ इसका खुलासा किया बल्कि कंपनी का रुपये गबन करने वाले स्टाफ रवि भास्कर को गिरफ्तार भी कर लिया है। अगली खबर, बिहार में वायरल की चेन बन रही है। सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक की ओपीडी में बच्चों की संख्या बढ़ रही। बिहार के स्कूलों में बुखार की जांच तक नहीं हो रही। कोरोना गाइडलाइन में बुखार को स्कूलों के गेट पर ही डिटेक्ट करना था लेकिन सरकारी स्कूलों में थर्मल स्कैनर ही गायब है। वायरल के खतरे के बीच पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी का कहना है कि स्कूलों में जाँच को लेकर अब तक स्वास्थ्य विभाग से कोई आदेश ही नहीं मिला है। अगली खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत दोपहर पटना पहुंच गए और एयरपोर्ट से चाक चौबंद सुरक्षा के बीच आरएसएस कार्यालय विजय निकेतन गए। विजय निकेतन में वह संघ के पदाधिकारियों के साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। वह सेवा सदन के निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी भी लेंगे। इस बैठक में बिहार में संघ के कार्यों की समीक्षा भी किया गया। गोपालगंज के बैकुंठपुर में पूर्व विधायक देवदत्त प्रसाद की पुण्यतिथि में शामिल होने आए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में बेईमानी करके सरकार बना लिया गया और यह पूरा देश जानता है। गोपालगंज में भी भोरे विधानसभा में माले प्रत्याशी की जीत घोषणा करने के बाद थोड़ी ही देर में पुनः सेटिंग करके जदयू प्रत्याशी को जिता दिया गया। इस तरह पूरे बिहार में 15 से 20 जगह पर महागठबंधन प्रत्याशियों के साथ ऐसा किया गया। अगली खबर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटर में रखा 5,42,000 रुपये से भरा बैग 1 बजे 2 युवकों ने चुरा लिया। घटना की सूचना लोगों को तब मिली जब कैश जमा कराने आए पेट्रोल पंप कर्मी को बैग नहीं मिला। कर्मी बैग को कैश काउंटर के अंदर रखकर मैनेजर से मिलने गया था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एक युवक ने बैग को उठाया और बाइक सवार अपने साथी के साथ भाग निकले। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़, 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।